सो हेलो गाइस, आई एम अनिकेत एंड आप देख रहे हैं मिस्टर डिस्ट्रॉयर यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना एंड आप लोगों का स्वागत है मिस्टर डिस्ट्रॉयर यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो गाइस आज अपन खेलने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सुपर ओवर मैच, वो भी फुल हार्डकोर मोड पे, यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों हार्डकोर मोड पे रहेगी। तो यहाँ पे अपन पहले टीम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड टीम सेलेक्ट करने के बाद अपोनेंट की टीम भी सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद अपन गेम को फटाफट से स्टार्ट भी कर देंगे। सो इट्स टाइम फॉर टॉस एंड यहाँ पे विराट कोहली ने कॉइन्स उछाला है, देखते कौन जीतता है टॉस। एंड जैसे अगर अपन टॉस जीतेंगे तो अपन पहले बैटिंग करेंगे एंड सामने वाली टीम को बॉलिंग। तो यहाँ पे सामने वाली टीम ने टॉस जीती है एंड वो भी जो अपन चाह रहे थे वही हुआ, सामने वाली टीम ने बॉलिंग का डिसीजन लिया है। एंड टीम को जिस प्रकार से डेविड वॉर्नर, एरन फिंच, मिचेल मार्श है उनकी टीम में बैट्समैन और बॉलर है मिचेल स्टार्क। तो यहाँ पे अपनी बैटिंग और अपन ने सिलेक्ट कर लिए हैं ऋषभ पंत को एंड विराट कोहली को। तो बात की जाए अगर ऋषभ पंत की, तो यहाँ पे सबसे पहले बॉलिंग पे स्टार्ट किया है मिचेल स्टार्क ने और ये अच्छी खासी इनके पास मिड भी अच्छी कराते हैं। एंड सामने है ऋषभ पंत, तो ये भी अच्छी हिटिंग करते हैं, अग्रेसिव है काफ़ी ज़्यादा। और सामने तो विराट कोहली, उनकी बात ही अलग है। तो यहाँ पे पहली बॉल के लिए अपन रेडी हैं, तो देखते हैं। और राउंड विकेट बॉलिंग कर रहा है मिचेल स्टार्क। और ये गाइस फुल हार्डकोर मोड पे है, मैं इजी मोड पे नहीं खेलता हूँ, वैसे ही कभी कभी खेल लेता हूँ, बाकी अदरवाइज मैं हार्डकोर मोड पे। तो यहाँ पे पहली गेंद पर अपन ने छक्का जड़ दिया मिचेल स्टार्क को, जबरदस्त स्ट्रोक के साथ शुरुआत इंडिया की। एंड मैं चाहूँगा कि अग्रेसिव मोड में तो कम से कम 15 से रन तो बने यहाँ पे। तो ना जाने कितने युवक शिकार हैं इन मादक पदार्थों का, कोई इनकी मदद क्यों नहीं करता। ये भी आप जैसे हैं, सस्ते नशे ना करें ना करने दें। तो यहाँ पे सेकंड बॉल भी सेम वैसी ही, और यहाँ पे थोड़ी मिस टाइम हुई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, 4 रन इजीली मिल जाएंगे। तो 2 बॉल में 10 रन बन चुके हैं इंडिया के। और चलो अपन और थोड़े बहुत रन बना लेते हैं, क्योंकि बॉलिंग में तो अपन काफ़ी पूरा देंगे। अच्छा। तीसरी गेंद यहाँ पे लेकिन मिस टाइम हुई है और यहाँ पे विकेट मिल जाएगा मिचेल स्टार्क को। तो फाइनली गाइस 2 बॉल पे 2 सिक्स मारने, 2 बाउंड्रीज मारने का, तीसरी बॉल पे आउट हो चुके हैं ऋषभ पंत। सबका बदला लेगा अकरम हजर, लेकिन अब अपन को अच्छे से खेलना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक विकेट ही बचा है सिर्फ। तो 5वीं बॉल ओवर की, लेकिन यहाँ पे मिस टाइम हुई है थोड़ी सी, 2 रन मिलेंगे इजीली। और कोशिश करेंगे गाइस इसकी लास्ट बॉल पे अपन बाउंड्री मार दें, क्योंकि रन काफ़ी कम बने हैं और हार्डकोर मोड पे इतने कम रन पे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो लास्ट बॉल ओवर की देखते हैं क्या होता है इस पे। और यहाँ पे गाइस यार मैंने गलत चीज़ कर दी, यहाँ पे मैंने पुश कर दिया जबकि नहीं करना था, मुझे हिट करना था जीन पर। कोई बात नहीं, 14 रन भी बहुत हैं। तो यहाँ पे अपन ने 14 रन बनाए हैं और सामने वाली टीम है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन गाइस सेकेंड इनिंग स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा रूटर, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप अपने मनपसंद गेम जैसे फ्री फायर, पबजी या फिर रियल क्रिकेट 20 या जिस भी गेम में आपको मज़ा आता है, उन गेमों की लाइव स्ट्रीमिंग करके या फिर उन गेमों की लाइव स्ट्रीमिंग देखकर भी आप यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ गाइस आप लाइव स्ट्रीमिंग देखोगे तो उससे आपको कुछ कॉइन्स मिलेंगे, उन कॉइन्स से आप गाइस इसमें बहुत सारे कूपन्स भी परचेस कर सकते हैं, फ्री फायर का डायमंड खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप इन सबको नहीं खरीदना चाहते हो कि आपके अकाउंट में रहे, तो गाइस आप इसे पेटीएम में भी ले सकते हैं, पेटीएम वॉलेट में। तो गाइस बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, अगर आपने इसे अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह अपनी इनिंग की पहली बॉल फेंकने के लिए रेडी हैं, यॉर्कर गेंद यहाँ पे हिट किया, लेकिन यहाँ पे मिस टाइम भी हुई है। तो 2 रन से ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं इस पे, फील्डर भी वहाँ पे, तो 2 ही रन मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया को। एंड यहाँ पे 2-2 रन से घाटा हो सकता है अपने को, तो 2-2 रन रोकने पड़ेंगे सेकंड बॉल ओवर की। एंड यहाँ पे देखते हैं क्या होता है सेकंड बॉल। ओ माय गॉड, हिट हो गई है। तो गाइस यहाँ पे 2 गेंद में 8 रन पड़ चुके हैं और टारगेट अपना वैसे उतना बड़ा है नहीं, 15 रन का है मात्र बस, हवा निकल गई। तो 4 गेंद और सिर्फ 7 रन की ज़रूरत है और हार्डकोर मोड है। तो यहाँ पे हार्डकोर मोड में तो गाइस ये 2 गेंद का गेम है, लेकिन अपन को बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। तीसरी गेंद और सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पे। तो एरन फिंच आ चुके हैं स्ट्राइक पे, एरन फिंच के सामने मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि मुझे हिट नहीं कर पाता है। तो 4th बॉल ओवर की, और यहाँ पे 4th बॉल पे मारना चाहा लेकिन एज लगा, और पीछे फील्डर अपन ने लगा के रखे हैं इसी कारण के लिए कि एज मारते हैं साले बहुत। तो 4 गेंदों में 10 रन और अभी भी 2 गेंदों में 4 रन की ज़रूरत है ड्रॉ के लिए और जीत के लिए 5 रन की। तो यहाँ पे 5वीं बॉल तो हिट किया है, यहाँ पे 2 रन इजीली मिल भी जाएंगे अगले, यानी गाइस आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए या फिर यू कहे तो एक बाउंड्री मार लेना पड़ेगा, तभी ऑस्ट्रेलिया जीत पाएगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ।
तो देखते हैं क्या होता है। और आखिरी बॉल पे यहाँ पे यॉर्कर लेंथ और यहाँ पे हिट किया है, फील्डर मौजूद है, तो यहाँ पे एक ही रन मिला और इसी के साथ टीम इंडिया ने जीत चुकी है मैच और ऑस्ट्रेलिया को एक रन से हराया। बहुत ही रोमांचक मैच यहाँ पे देखने को मिला अपना इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का। एक समय लग रहा था ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, बट अपनी बॉलिंग के सामने कहाँ जीतने वाली है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। थारा भाई बुमराह इज हियर, तो किस बात की टेंशन। तो थारा भाई बुमराह ने जीता चुका है इंडिया को मैच। इंडिया पहला स्कोर कार्ड कुछ ऐसा, एक रन से इंडिया टीम ने मैच जीती है और एक विकेट भी गवाई थी इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने एक विकेट नहीं गवाई, बट स्टिल इंडिया इज विनर। तो यहाँ पर ऋषभ पंत को मैन ऑफ द मैच मिला। एंड गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में बताना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।